नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीवी पर काफ़ी ज़्यादा देखे जाने वाले शो रामायण के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि आज के 20 से 30 साल पहले आज की तरह की फैसिलिटी नहीं रहती थी। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि क्वालिटी वाले कैमरे नहीं रहते थे 20 से 30 साल पहले, तो उस टाइम में किस प्रकार से रामायण की शूटिंग होती थी, ये सभी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पे अगर आप हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। यूं तो छोटे पर्दे पर धार्मिक ग्रंथ रामायण को कई बार अलग अलग अंदाज के साथ प्रसारित किया गया है, लेकिन टेलीविजन की दुनिया में सबसे अच्छी रामायण और टीवी का बेहतरीन राम का किरदार करने वाले की बात होती है तो सबसे पहले एक्टर अरुण गोविल का नाम सबकी जुबान पर आता है। उस रामायण में जितने भी पात्र थे उनको आज तक भुलाया नहीं जा सका है। इन पात्रों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी, जिनको आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा आज भी पसंद करते हो। राम को जानने और समझने के लिए जितने लोगों ने रामायण नहीं पढ़ी थी उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने उन्हें टीवी पर देखा था। भगवान राम की छवि में टीवी पर पहली बार अरुण गोविल ही नज़र आए थे। रामानंद सागर का बहुचर्चित शो रामायण में राम का किरदार निभाना कोई आसान बात नहीं थी। अरुण गोविल को इसके लिए कई चीज़ों का त्याग करना पड़ा था। दरअसल उस दौर में इतने बड़े बजट के सीरियल को रामानंद सागर प्रोड्यूस कर रहे थे, सीरियल में राम का किरदार हासिल करना अरुण गोविल के लिए आसान नहीं था। एक इंटरव्यू के दौरान अरुण गोविल ने बताया था कि कैसे ऑडिशन में रामानंद सागर ने पहली बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन दूसरी बार जब उन्होंने ऑडिशन दिया था तो वो दूसरी बार सेलेक्ट हो गए थे, क्योंकि रामानंद सागर एक ऐसा मानना था कि भगवान राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप से जाना जाता है, उन्हें ऐसे किरदार को पर्दे पर निभाने वाले इंसान में कोई भी बुरी आदत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अरुण गोविल को सिगरेट पीने की लत लग चुकी थी। लिहाजा इस रोल को पाने के लिए अरुण गोविल को सिगरेट की लत छोड़नी पड़ी थी। भगवान श्री राम का किरदार निभाते निभाते अरुण गोविल ने हमेशा हमेशा के लिए सिगरेट छोड़ने का फैसला लिया था। रामायण के अलावा अरुण ने इतनी सी बात श्रद्धांजलि, जियो तो ऐसे जियो, सावन को आने से और कई सारी फिल्में की थी। राम का किरदार कर दर्शकों के दिल में राम बनकर उस समय में जानने जाने वाले अरुण गोविल के अभिनय को काफ़ी ज़्यादा सराहना मिली थी और आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार उन सबको दिया गया था। और रामायण में जितने भी किरदार थे वो आज भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय माने जाते हैं। रामायण में अरुण गोविल को लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस दौरान दर्शक घरों में पोस्टर उन्हीं के लगाया करते थे, उनकी पूजा करने लगे थे और वहाँ लोग जाते थे जहाँ पे इनकी फ़ोटोज़ लगी रहती थी। इस इंटरव्यू में एक बताया गया था कि कई बार शूटिंग के दौरान लोग उनसे मिलकर अपनी मुसीबतें सुनाने लगते थे, तो इसके लिए शूटिंग पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब हम बात करते हैं रामायण की शूटिंग किस प्रकार से होती थी। सो जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि रामायण जो शो था वो काफ़ी ज़्यादा खर्चे वाला शो था। इस शो को पूरी तरीके से प्रोड्यूस करते थे आपके रामानंद सागर जी। रामानंद सागर जी को इस शो के बारे में जब आइडिया आया था तब उन्होंने बहुत कम लोगों को ये आइडिया बताया था, और जैसे जैसे वो एपिसोड्स लॉन्च करते गए और जैसे जैसे ये एपिसोड्स चलने लगे थे तो वैसे वैसे रामानंद सागर काफ़ी अच्छा पैसा इससे अर्न करने लगे थे। अब हम बात करते हैं कि इसकी शूट में कैसे कैसे होता था। तो इसका जितना भी शूट था वो एकदम डुप्लीकेट तैयार किया जाता था। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि आज के ज़माने में VFX अवेलेबल होता है, लेकिन तब के ज़माने में VFX नहीं हुआ करता था। तो ये जितना भी सेटअप होता था इनके सभी सेटअप में काफ़ी ज़्यादा खर्चा लगता था, क्योंकि इन्हें सारा का सारा सेटअप खुद पर खुद यानी कि लोगों की सहायता से तैयार करना पड़ता था। इनके सारे सेटअप्स में अलग अलग तरीके के घर रहते थे, पुराने ज़माने के घर रहते थे, तो उन घरों को रेंट पे लिया जाता था, क्योंकि पुराने ज़माने में घर ढूंढना काफ़ी ज़्यादा आसान रहता था और पुराने टाइप के घर काफ़ी ज़्यादा आसानी से मिल जाते थे और जंगलों में इनकी शूटिंग बहुत ही आसानी से की जाती थी। सो उम्मीद है आप सबको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा हमारा वीडियो। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो को कमेंट करके बताएं, मैं इसका पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा।
फिलहाल इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके आप सब लोगों को वीडियो पे काफी ज्यादा प्यार देना है, जिस प्रकार से आप टीवी शो रामायण को देते थे। और रामायण शो काफी ज्यादा अच्छा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जरूर देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर अगर आप हमारे नए आए तो सब्सक्राइब करना है। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों।